एलएनजेपी के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और ऐसे ऐसे जो पेशेंट्स की फैमिलीज हैं यहाँ पर, इनकी हालत आप सुनेंगे तो आपको दुख होगा। अभी अभी राजकुमार जी मुझसे बात कर रहे थे और आप देखिए कि क्या घटा है एलएनजेपी के अंदर। सर बताइए क्या हुआ। मैं सबसे लेटर लिखवा ले गया हूँ, मेरी बीबी कोई केयर नहीं हुई यहाँ पे और मैं धक्के खाता रहा, लोगों की गिड़गिड़ाता रहा, अपने कार्यकर्ताओं से सबसे मदद मांगता रहा। एमएलए ने मेरा फोन नहीं उठाया, मैंने कहा मेरी मदद कर दो, कोई मदद नहीं किया। मैं भटक भटक के जबरदस्ती मैं वार्ड में घुस गया हूँ, वीडियो बना के लाया मैंने, कोई नहीं मिला। मैं मुझे वहां जो साधा कि मेरी बेबी बाथरूम करके लेटी हुई थी बिस्तर पे, उसके कपड़े बदले, मैंने कंबल दिया उड़ाया उसको। आज मैं निकली मेरी चेक करा रहा मैम, कोई नहीं सुना मेरी। मैं कार्यकर्ता हूँ मैम, बताओ मैं कहाँ मर जाऊँ, नौकरी छोड़ दी मैंने पार्टी के लिए। मैंने कौन सी पार्टी के कार्यकर्ता? आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हूँ मैम। एमएलए कौन है आप? हमारे यहाँ ऋतुराज झा है मैम। इमरान हुसैन जी ने लेटर लिख के दिया मुझे, कुछ लेटर्स दिखाए मुझे, ये लिख के दिया था आपको? हाँ मैं मिलन दिया था, भर्ती हुई इनका स्थान मानता हूँ मैं, इमरान हुसैन जी का, जो ने मेरी मदद जब हमारे क्षेत्र है मेरी भर्ती हुई। हाँ मैं इन्होंने आईसीयू शिफ्ट कराया इनको, सुबह गिर गई मैम, मेरे पास रिकॉर्डिंग उनकी है, बेड से गिर गई, कोई नहीं उठाया, इनके मुंह से खून आ गया मैम। ऐसी व्यवस्था में कहाँ जाऊँ मैम, कहाँ मर जाऊँ, अपने आप आग लगा लूँ मैं, मैं अपने आप आग लगा के अरविंद केजरीवाल घर के सामने आग आज दाह कर लूंगा मैडम। मैं बता के जा रहा हूँ, आग लगा के मर जाऊंगा, मेरे बच्चे कहाँ जाए, कहाँ जाऊँ मैम, मैं मेरे कोई नहीं मैम दुनिया में। आपको खुद अंदर जाना पड़ा क्योंकि आपकी पत्नी का फोन आया कि वो गिर गई है, आप संभालिए अपने आप। आज की रिकॉर्डिंग है मैम, उन्होंने खुद फोन करके बोला है कि मैं गिर गई हूँ, क्या मैं नहीं रहूंगी, तब आओगे यहाँ पे? और ये लोग तो ऐसे भी जाने नहीं देते और खुद देखते होते नहीं है किसी को। अपने मरीज की मैं खुद देखभाल कर लूँ, टिकट हमें पहना दो, लेकिन नहीं जाने देंगे, न बात करवाएंगे न जाने देंगे मैम, तो क्या करें हम, क्या मर जाएंगे, जाके टिकट हमें पहना दे, मैं जाके देख रहे बच्चे को संभाल ले दो, कोई केयर नहीं मैम। अभी मर गए, मेरा फोन आया तुम्हारी बीबी एक्सपायर हो गई है। देखिए मैम खुद देखिए, यहाँ कोई है? कोई नहीं है यहाँ पे, इसमें कोई नहीं है, वहाँ तक कोई नहीं है, वीडियो लेके आए कोई नहीं है यहाँ, पूरे वीडियो में कोई डॉक्टर नहीं दिखेगा, ना रिसेप्शन पे ना कहीं, खुद देखिए आप। रिकॉर्डिंग सुबह बोल रही थी वो कि मैं वीडियो में मर जाऊंगा तबाह हो गया मैं भागता हुआ क्या करता मैम, कोई सहायता कहीं नहीं मिली मेरे को मैम, क्या करूँ मैं, अब तो मर गई, अब सहायता किसी की मुझे चाहिए मैडम। इतना दुख का मंजर है, आप पीछे वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पर राजकुमार जी हैं, बेटे हैं ये, और दोनों को एलएनजेपी अस्पताल के अंदर घुसकर जाना पड़ा क्योंकि कोई अंदर से सूचना या जानकारी नहीं थी कि इनकी पत्नी को क्या हुआ। गिरने के बाद उन्होंने खुद फोन किया इनको कि मैं गिर गई हूँ और मुझे उठाने वाला कोई नहीं है, और आज सुबह की ये घटना हुई और उनका और आज ही उनका देहांत भी हो गया। तो ऐसी ऐसी जब आप अस्पतालों के बाहर खड़े होते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, तो ऐसी चीजें आपको पता चलती हैं। राजकुमार जी जो हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और घर घर बैठ के पढ़ते बातें, मैंने नौकरी छोड़ दिया, तक मैं नौकरी करता हूँ, नौकरी छोड़ दी मैं पार्टी के लिए, कोई पद नहीं लिया मैंने, कोई कुछ नहीं मांगा मैंने, सम्मान चाहिए वो भी नहीं मिला मैम, कोई सुनने वाला नहीं मैम, क्या कहा जाऊँ मैं। ऐसी भयानक स्थिति भगवान किसी को ना दे। आप देख सकते हैं कि दुख है बहुत ज्यादा, और चाहे मोदी सरकार हो चाहे केजरीवाल सरकार, दोनों सरकार निकम्मी है, चाहे मोदी केजरीवाल दोनों निकम्मी सरकार, नहीं गरीब सब मर जाएगी, पृथ्वी खत्म हो जाएगी, ये नहीं सुनते अपने को चुनाव करवाना है, गली गली पूरे हिंदुस्तान फैला रहे चुनाव काला करके, चुनाव क्या करवाना है, यहाँ पब्लिक मर रामला मैदान खाली पड़ा वहां लगवा दो बेड, पैसे कमी नहीं जनता से मांगो, आप क्यों लोगों को परेशान कर रहे हो, मेरी बीबी चली गई और को मत मारो। आप बीती वो ही समझ सकते हैं जिनके साथ बीत रही है इस वक्त, और ये हालात हैं एलएनजेपी के बाहर, ये हालात हैं एलएनजेपी के बाहर। और कई लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी पेशेंट को दाखिला नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जो दाखिला दे भी पा रहे हैं उनके साथ भी अंदर जो व्यवहार किया जा रहा है वो एकदम भयानक है, और इसकी सूचना अस्पतालों को लेनी चाहिए, डॉक्टर्स को खासी ध्यान रखना चाहिए। हमें जो वीडियोस दिखाई गई उसमें कोई भी डॉक्टर उस फ्लोर पे दिखाई नहीं दे रहा था, और हालात ये है कि आज इनकी जो पत्नी है वो चल बसी है, और यहाँ पर दोनों
हताश और निराश अवस्था में एलएनजेपी के बाहर बैठे हुए हैं।